और अब बात करते हैं कन्नौज की, जहां पुलिस महकमे को चौकी इंचार्ज ने शर्मसार कर दिया है। बताया जाता है कि मुकदमे में FIR लगाने के नाम पर महिला से अश्लील हरकतें की थी, वहीं महिला को घर पर बुलाकर महिला के सामने शराब भी पी थी। पीड़ित महिला का आरोप है कि शराब पीने के बाद चौकी इंचार्ज ने अश्लील हरकतें की हैं। पीड़ित महिला ने कोतवाली में मामले की शिकायत की है। वहीं पुलिस जांच में आरोपी चौकी प्रभारी को दोषी पाया गया है। चौकी प्रभारी का चालान बनाकर जेल भेजा गया है। वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जाता है। मामला ये होता सर, हमारी बिटिया का केस चलता था। आपकी बेटी थी? हाँ बेटी थी मैं। हाँ। तो मतलब हम इनसे पूछे, दरोगा साहब से, ये इंस्पेक्टर साहब से, मौर्या से हमने पूछी, हाजी शरीफ चौकी में मिले थे। हमने कि सर हमारी बिटिया का केस चल रहा है, गिरफ्तारी नहीं हुई, 6-7 महीना हो गए सर, अभी कुछ करा ही नहीं तुमने। हम दौड़ा एस पी थी यहाँ पुलिस ले जाए, अब तुमने कुछ करा ही नहीं है। तो सर तो ये हमको कहने लगे यहाँ कोई बात नहीं, वही कमरे पर आना। तो हम सर कमरे पर, जब हमने कि कैसे कमरे पर पहुँच पाए नहीं सर, हमें मन में नहीं है कमरा। तो बंद तुम बल्ला किया आ जाओ, दोनों बंद थे, हम तुम घर ले जाएंगे। तब सुबह हुआ तो हम 11 बजे हम पहुँचे, कल 11 बजे नरेगा पर पहुँचे। हमने मरिया साहब को फ़ोन किया, तो हमने कि सर तुम कहाँ हो, कहने लगे हम यहाँ आए। फिर घर गए आप? घर गए थे? नहीं नहीं, घर गए थे दरोगा जी के। आप घर गए थे दरोगा जी के? हाँ। फिर क्या हुआ सर? बुला लिया। हाँ फिर क्या हुआ? FIR क्यों लिखाई थी आपने? 2 मिनट लगा रही हो तो बता दे। अभी हमसे कहा है ना, वो अपने